please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पूर्वांकर बिल्डर करने वाला है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे और गोवा में 14 नए प्रोजेक्ट्स में 3200 करोड़ रुपए का निवेश। पूर्वांकर बिल्डर अगले 5 सालों में 3200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बिल्डर ने आने वाले 12 से 15 महीनों में 14 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस योजना में 14 प्रोजेक्ट्स में से 13 आवासीय होंगे और एक कमर्शियल होगा। राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रेत खनन पर प्रतिबंध, कंस्ट्रक्शन पर पड़ेगा इसका प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट ने रेत खनन पर प्रतिबंध से 5000 करोड़ का चल रहा कंस्ट्रक्शन प्रभावित होगा। प्रतिबंध से प्राइवेट एवं सरकारी दोनों कंस्ट्रक्शन पर फर्क पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लगभग बंद ही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर एक वैज्ञानिक अध्ययन होने पर रोक लगाया है। 10 साल पूरे होने पर सेलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली NCR के बाहर एक और शॉपिंग सेंटर खोलेगा। इस महीने सिटी वॉक को 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल पूरे होने पर सिटी वॉक के एक्सपेंशन प्लान के मुताबिक एक और सिटी वॉक खुलेगा जिसे ये दिल्ली NCR के बाहर खोलेंगे। लेकिन अगर इन्हें अच्छी जगह नहीं मिलती है तो दिल्ली NCR के भीतर भी सिटी वॉक बन सकता है। गुड़गांव महानगर विकास प्राधिकरण दे सकेगा जमीन के उपयोग में परिवर्तन के लिए अनुमति। पहले जमीन को उपयोग में परिवर्तन के लिए अनुमति लेने के लिए CLU चंडीगढ़ को कागजात भेजने पड़ते थे, लेकिन अब गुड़गांव महानगर विकास प्राधिकरण को ये शक्ति मिल गई है कि वह जमीन के उपयोग में परिवर्तन के लिए अनुमति दे सकता है। 2010 में शुरू हुए यूनिवर्सल ग्रुप के ऑरा प्रोजेक्ट में खरीदार 7 साल बाद भी गृह प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। ऑरा प्रोजेक्ट्स को अपने खरीदारों को 2015 में कब्जा देना था, लेकिन 2017 में भी अभी तक किसी को कब्जा नहीं मिला है। यूनिवर्सल ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट और भी कई लोगों के साथ मिलकर 2010 में शुरू किया था, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने घर खरीदा था। सब लोग कब्जा ना मिलने से परेशान हैं।